अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और डेली की तरह आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की और न्यू रेसिपी ले के आई हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन टिक्का मसाला हम किस तरह घर में इजीली बना सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन टिक्का मसाला आज हम रेडी करेंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को देखना होगा, स्टेप्स को करना होगा फॉलो। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, उससे आपको मैं न्यू और इजी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। लाइक करें, शेयर करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। तो बहुत ही मज़े की आज रेसिपी सिखाने वाली हूँ, चिकन टिक्का मसाला हम किस तरह घर में बना सकते हैं और क्या क्या इसमें इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन ले लिया, उसको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लिया। अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। उसके लिए इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगी जो है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला जाएगा और हाफ से भी कम जो है वो हल्दी जाएगी, 1 टेबलस्पून जो है धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाले अंदर तक चले जाएँ। चलें 1 घंटा हो चुका है, एक पैन ले लेते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं और इसमें मैरिनेशन वाला चिकन ऐड कर देंगे। अब हमने इसके टिक्के रेडी करने हैं। दूसरी साइड पे मसाले को रेडी करते हैं। एक पैन ले लिया, उसमें ऑयल डालते हैं, साथ साथ टिक्के हमारे रेडी हो रहे हैं। तो प्याज डालेंगे उसमें, 2 कटिंग किया हुआ, 2 बड़ी इलायची जाएगी। प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो रहा है, हो चुके ब्राउन, इसमें 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब इसको भूनेंगे। ये देखें कितना प्यारा आ रहा है टिक्कों पे कलर। तो अब इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो कुटी हुई सब मिर्च ऐड करेंगे और स्पाइसेस कुछ यूँ हैं जो है हाफ से भी कम हल्दी जाएगी, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च जाएगी, 1/2 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर जाएगा, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1/2 जो है वो लाल मिर्च पाउडर और 1/2 कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। अब इसमें 2 बड़े टमाटर उसकी प्यूरी ऐड करेंगे। चलिए इसको भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर आ जाए। टिक्के हमारे हो चुके हैं रेडी, अब इनको थोड़ा स्टीम देते हैं ताकि खुशबू अच्छी आए। कोयला रख के उसके ऊपर ऑयल डाल के अब इसको देंगे। मसाला रेडी हो चुका है, ऑयल आ चुका है ऊपर। अब इसमें 1 प्याली जो दही ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे अच्छी तरह। टिक्के माशाल्लाह हमारे हो चुके हैं रेडी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी देखें कितना प्यारा आ गया। माशाल्लाह हमारा जो है चिकन टिक्का मसाला हो चुका है रेडी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये और बहुत ही मज़े का जो है वो हमारा चिकन टिक्का मसाला हो गया है रेडी। बहुत ही ईजी और सिंपल वे से मैंने आपको ये रेसिपी सिखाई है, तो आप इसको ईजीली घर में बना सकते हैं। रेस्टोरेंट जो है उसकी जो कढ़ाई है उसको पीछे छोड़ रही है ये। अल्लाह हाफिज़।